राइजिंग स्टेट में आपका खैर मौजूद है। इस वक्त आज यहाँ पे डीडीसी इलेक्शन चल रहे हैं। आज डीडीसी इलेक्शन के तहत तीसरे मरहले की वोटिंग शुरू हो चुकी है। ये मैं है, इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हो भीड़ कैसी है और लोग घरों से निकलकर अब ये वोट यहाँ पे कास्ट कर रहे हैं। यहाँ से बहुत सारे लोग आ रहे हैं अपने घरों से निकलकर यहाँ पे कास्ट कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के एक बाशिंदा है जिसने एक कैंडिडेट है जिसने अपना वोट कास्ट किया है। जी, आपका नाम? मौलवी बशीर अहमद। मौलवी साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपने अपना वोट ये वोट क्यों दिया? हमने दिया तहरमी तारीम और तरक्की के लिए। अच्छा, क्योंकि हमें डेवलपमेंट होना चाहिए यहाँ। और हमारे पहला जो इलेक्शन था वो ऐसा ही हुआ, उसका हमको पता न हुआ। जो उसमें नफर कामयाब है जो कोई उन्हें हमारे पर जुल्म की, बहुत जुल्म। इसलिए हमने ये अपना कीमती वोट, इसलिए हम घरों से निकले। हमारे जो मकान थे, जमीन थे, उन पर छापा डाला गया, वो कोठे हमारे वो बगाए दिए गए, हम पर बहुत जुल्म हुआ। इसलिए हम मजबूरन तौर और जमहूरियत की शाइश से हम यहाँ पहुँचे और हमने अपने वोट का इस्तेमाल कर और अपना हक लेने के लिए इंशाल्लाह हम हाजिर। ये था बशीर अहमद, जो लोकल कैंडिडेट था, उससे यही कह रहा है कि मैंने जो ये वोट दिया, हमने यहाँ पे जो वोट दिए वो डेवलपमेंट के लिए दिए हैं और हमारी यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम है जो जिसके लिए हमने यहाँ पे वोट दिए है। राइजिंग स्टेट के लिए अनंतनाग से इससे मेरा अहमद के लिए सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसके लिए सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के अहलकार जो भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो लोग हैं घरों से निकल रहे हैं और यहाँ पर आ रहे हैं, वोट के लिए आ रहे हैं। और कुछ खवातीन यहाँ पर हैं, इसे जानना चाहेंगे कि क्यों ये वोट डाल रहे हैं।